दिग्गज सिंह चौहान, आपके अपने YouTube चैनल रनिंग फिटनेस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 जो मद्रासी पटवारी का एग्जाम हो चुका है उनसे लाइव रूम लेते किस प्रकार से पेपर गया है भैया? कितना स्कोर गया बहन? कितना स्कोर गया आपने पेपर के साथ? हमें नहीं यार मैम, कितना स्कोर गया पेपर के साथ? भैया कितना स्कोर रहा मैम? कितना स्कोर पेपर के मेरा नंबर? भैया आपके कितना स्कोर रहा? कितना? 51 मैम आपने कितना स्कोर किया? मैम आपने कितना स्कोर किया पेपर के साथ? ठीक था मैम? कितना स्कोर किया आपने? 131। थोड़ा सा स्कोर भैया इधर आना। क्या नाम सुनना? सोनाली सिजोरिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंदौर से। बताइए थोड़ा सा इधर मैथ्स कैसे पूछेगी? मैथ्स का तो काफ़ी टफ लेवल था बट हो गया। अच्छा क्या, हाँ। क्या क्या पूछा गया मैथ्स? मैथ में जो लुप्त संख्या हुई होती है वो पूछी गई थी और जो मान वाले होते हैं अल्फा बीटा वाले भी थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, एक दो थे और बाकी हिस्ट्री के कम क्वेश्चन थे, एमपी के भी बहुत कम थे, ज़्यादातर पार्ट देखा जाए तो मैथ का ही था। अच्छा रीजनिंग? रीजनिंग में भी रीजनिंग नॉर्मल थी, ज़्यादा टफ नहीं। और इंग्लिश कैसे पूछा? इंग्लिश इंग्लिश भी नॉर्मल नहीं। क्या क्या पूछा गया? इंग्लिश में पूछा गया था जैसे कि सिनोनिम से, ये तो कम पूछे गए थे बट जैसे कि करेक्ट, हाँ हाँ करेक्शन वाला पूछा गया था। हाँ और इसकी बात करते हैं हम हिंदी की, हिंदी हिंदी तो बहुत ही ईजी लेवल का था। हिंदी में क्या क्या पूछा गया? हिंदी में पूछा गया था जैसे रचनाएं पूछी गई थी, दो तीन कवियों की रचनाएं पूछी गई थी और उसमें तत्सम पूछा गया था, उपसर्ग पूछा गया था। जी सर। और कंप्यूटर की बात करें? कंप्यूटर कंप्यूटर लेवल का, कंप्यूटर का थोड़ा सा मुझे टफ लगा। हाँ मुझे टफ लगा, बाकी पता नहीं क्योंकि मैंने कम पढ़ा था। मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का तो मुझे इजी लगा क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही मैनेजमेंट रहा है। साइंस कैसी पूछेगी? साइंस साइंस तो नॉर्मल लेवल का था, देखा जाए तो थोड़ा सा टफ लेवल में मैथ था, बाकी तो सभी नॉर्मल लग रहा था। किस पोर्शन ज़्यादा साइंस में? एक तो डिसीज का, फिजिक्स का पोर्शन था, उसमें बीमारी वाला डिसीज वाला पूछा गया था और उसमें पौधों वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। जी सर। बात करते हैं जनरल नॉलेज की, बात करते हैं जनरल नॉलेज का, वो क्वेश्चंस मैंने इतने अटेम्प्ट नहीं किए, बाकी छोड़ दिए, कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप भी किए। थैंक यू मैम। ओके भैया, भैया कितना स्कोर किया आपने? भैया आपने कितना स्कोर किया? भैया कितना स्कोर किया? मैम आपने कितना स्कोर किया? एक दो और मिल जाए। अच्छा मैम कितना स्कोर आपने? 121। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या नाम सुनना? बस एक मिनट हो रहा है। कितना था पेपर? मेरा वंडर पेपर तो अच्छा था। मैथ्स के बस कैलकुलेटिव था थोड़ा, बाकी पेपर अच्छा था। रीजनिंग? रीजनिंग भी अच्छी, मैथ्स रीजनिंग सब अच्छा था, पेपर अच्छा था बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। लेम में हाईएस्ट कितना है? अब वो नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं। और कंप्यूटर हिंदी कैसे पूछे? कंप्यूटर हिंदी सब नॉर्मल ही था, ज़्यादा हाई नहीं था, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आपका सबसे ज़्यादा समय कौन सा? मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा। कैलकुलेटिव की सब्जेक्ट चैप्टर से आ रहे क्वेश्चन? सब्जेक्ट तो सभी आ रहे हैं उसके अंदर, मैथ्स ऐसा है पर। हाँ भाई कितना स्कोर? 74। मैम आपने कितना स्कोर किया? अच्छा था। आपने कितना स्कोर? मैम आपने कितना स्कोर किया? आपने कितना स्कोर किया? मैम पेपर कैसा था? बहन पेपर कैसा था? थोड़ा सा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। कैसा स्कोर? कितना था स्कोर? कितना था मेरा? 80। थैंक यू। भाई कितना स्कोर? बहुत कम है। मैम कितना स्कोर है आपका? 72। भैया आपका कितना स्कोर? 122। थोड़ा स्कोर। क्या नाम सुनना आपको? चंद्रभान सिंह लोधी। चंद्रभान सिंह लोधी कहाँ से बिलोंग करते? मैं गुना से हूँ। अच्छा मैथमेटिक्स कैसी पूछेगी? मैथमेटिक्स अच्छा आया है, थोड़ा कैलकुलेटर पूछ रहे हैं। और क्या पूछा गया? रीजनिंग आ रही है, मतलब
अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें डायरेक्टली हिंदी में भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वर्णमाला के तीन एक क्वेश्चन थे, वर्णमाला के खंड तालाब्य वाले क्वेश्चन पूछे थे जो डायरेक्टली नहीं पूछे थे कि कौन सा है, जबकि उनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना उस टाइप में पूछे गए थे उसके। मैनेजमेंट कैसा पूछा गया? मैनेजमेंट जो बैंकिंग का था, दो क्वेश्चन बैंकिंग से संबंधित थे मैनेजमेंट में, और डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा। और टैलेंट पट था एक, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे और कुछ नहीं आया। लैब में हाईएस्ट कितना? क्या लैब में हाईएस्ट कितना? लैब में हाईएस्ट एक लड़की की थे 127। हाँ मैम, आपने कितना स्कोर किया? पेपर कैसा था मैम? कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया मैम? कितना स्कोर किया मैम? कितना स्कोर? थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मैम। कितना स्कोर? 98 मैम। आपका कितना स्कोर? 98 बहुत कम आ रहा है आज नंबर। आजकल की ज़्यादा नहीं देखने को मिला मैम। कितना स्कोर आ? 95 मैम। आपका कितना स्कोर? भैया थोड़ा सा इधर देखना है इसमें। मैम कितना स्कोर? 125 थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। क्या नाम? शुभ नाम आपका? निर्मला दांग। कहाँ से वो बिलोंग करते हो आप? जीरापुर। तो बताइए मैथ्स किस प्रकार पूछी गई? मैथ्स ये भंडार एक सही थे, पाँच क्वेश्चन रीजनिंग सबसे ज़्यादा ही थी, मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा आ रही। हिंदी कैसे पूछी गई? 4-5 नंबर की आई थी हिंदी तो। ठीक है, थैंक यू। 125 थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था गुड़िया को। भैया कितना स्कोर रहा? बहन कितना स्कोर? थोड़ा सा भैया एक मिनट सर। बहन कितना स्कोर रहा? 80 मैम। आपका कितना स्कोर? कितना स्कोर रहा? कम है। और नहीं है अपनी। भैया आपका कितना स्कोर रहा? 112 भैया आ रहे हैं। भैया कितना स्कोर रहा? स्कोर कितना रहा? पेपर कैसा था ये मैम? कितना स्कोर? आपका कितना स्कोर भाई? कितना स्कोर? कितना स्कोर? डबल सिक्स मैम। कितना स्कोर रहा मैम? कितना स्कोर? स्कोर कितना रहा? 114 थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे? पकड़ लेना भाई। ये वायर पकड़ के रखना मैम। कितना स्कोर रहा? अच्छा रहा है सर। मैम आपका कितना रहा? कितना तो भी 97 मैम। आपका कितना स्कोर रहा? मैम आपका कितना स्कोर? पेपर कैसा था? 110 थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे मैम? नहीं भैया। कितना स्कोर? कितना बोल तो जा साला, गर्मी में खड़े हैं यार, बोल भी जा रहे हैं। लास्ट में पूछेंगे मेरिट कितने भी बनेगी। मैम नंबर कितने रहा है? 57 मैम आपका कितना स्कोर? 122 थोड़ा अच्छा था। तो आप देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट 131। भाई कितना स्कोर रहा? कितना इसको? 100 के अंदर है। ठीक है, थैंक यू मैम। आपका कितना स्कोर है? 692 थैंक यू मैम। कितना स्कोर आपका? स्कोर कितना रहा? 89 मैम। आपका कितना स्कोर रहा? भाई आ रहा। भैया कितना स्कोर रहा? 110 थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना। क्या नाम? अरे एक मिनट लग रहे हैं यार। क्या नाम? सुन नाम क्या? सुरेश। थोड़ा सा इधर आ जाओ सुरेश। नाम दो सेकंड सर कॉल पे। हेलो इसको तो कॉल की जल्दी से बड़ी यार। 110 साइड पे आ जाओ भाई, साइड पे। थोड़ा सा एक मिनट चलने दो। हाँ भी यार टाइम लग रहा आपको अंदर जाने का।
चलो ले लेता हूँ। तो देखा जाए तो आज का हाईएस्ट स्कोर रहा है 131, फिर 125, और आज के पेपर में मैथमेटिक्स से थोड़ा सा कैलकुलेटर पूछा गया और रीजनिंग भी थोड़ा सा, और सब सेक्शन से वही जो शुरुआत से जो पैटर्न चल रहा है उसी आधार पर चल रहा है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भैया आपका कितना स्कोर रहा? मेरा बहुत है, बहुत है।